हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बतलाना चाहते हैं कि देखिए मकान में दरार क्यों आता है। जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस मकान में कितने दरार है। एक यहाँ दरार है, एक यहाँ दरार है, एक ये इस कोने पे दरार है। जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये दरार है। तो ये दरार क्यों हुआ, मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये दरार हुआ तो क्यों हुआ। तो इसके बारे में जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप भी इस दरार को फटने के कारण आप जान सकें और इस तरह का आप गलती मकान बनाने में ना करें। तो इसमें हुआ क्या था, ये देखिए, मैं जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस छत, ये जैसे ये छत है, ये फर्स्ट फ्लोर का छत है, ये देखिए ये छत है। तो इसमें करा क्या था, देखिए ये जो दीवार आपको दिखाई दे रहा है, ये दीवार नीचे से नहीं आई है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर ये दीवार नहीं है और फर्स्ट फ्लोर के बाद इस पे से दीवार लगा दी गई। ये देखिए ये दीवार लगा दी है, एक ये दीवार लगा दी गई, एक ये दीवार लगा दी गई। तो इससे क्या हुआ, इस छत पे लोड आ गया। लोड आने के कारण क्या हुआ, ये छत झुक गया। जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये झुक गया है। और झुकने के कारण हुआ था क्या है, ये कमरा है, ये देखिए ये कमरा है। तो कमरा में यहाँ पानी जम जाता है, ये देखिए। तो ये पानी जमने के कारण भी यही है कि जब ये कमरा दब गया तो बीच में गड्ढा हो गया। जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए दरवाज़ा है। तो जब ये मकान बना था तो पानी यहाँ से बाहर निकलता था, लेकिन अब नहीं निकल रहा है। अब ये दब करके पानी यहाँ आ गया है। तो अब ये क्या हुआ है कि ये मतलब दब गया। तो दबा क्यों, क्योंकि इस छत के ऊपर ज़्यादा वजन दिया गया था। ये देखिए लाइव में दिखा रहा हूँ, अगर ये दीवार नीचे से आती तो 100% ये नहीं दबता, लेकिन ये दीवार नीचे से नहीं आई थी, छत के ऊपर दे दी गई, इसी वजह से इस पर ज़्यादा वजन पड़ा। और ज़्यादा वजन पड़ने के कारण ये सारी दरारें आई है। ये देखिए ये यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, ये देखिए। तो ये सब दरारें आ गई है। हालांकि अब इसको किसी तरह से रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि जब दरार आ गया है तो इसको रोकने के लिए वैसे तो हम इसका इंतजाम कर रहे हैं। ये देखिए इस लाइव में दिखा रहा हूँ, सारे कोने फट चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस दीवार को पूरी तरह से हटा दे रहे हैं। ये देखिए ये सब सारी दीवारें हटा देंगे। हटाने से क्या होगा, ये छत हल्का हो जाएगा। उसके बाद जब ये बीच में जो पानी जब रुक रहा है, इसका भी हम कुछ काम ऐसा करेंगे कि ताकि ये काम ना रुके, इसके लिए हमें दोबारा फर्श डालनी पड़ेगी। ये देखिए, तो अब हम इसका फिर से ढलान यहाँ करेंगे और इस छत का हमने वजन कम कर दिया है। अब कम करने के कारण अब ये क्या है, अब आगे भविष्य जितना ये झुक गया, जो झुक गया अब इसके बाद ये नहीं झुकेगा। अब हम इसका जो नीचे का फर्श है, इसको हम दोबारा फ्लोरिंग टाइल या पत्थर कुछ भी लगाएंगे तो ये दोबारा अच्छे तरीके से लगा देंगे। उसके बाद ये झुकना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका वजन वेट बिल्कुल कम कर दिया है। और इसके ऊपर ये मलबा भी जिसने भी मिस्त्री ने बनाया था, इसमें कम से कम 6 से 8 इंची का मलबा डाला गया है। अब ये क्या कह रहा था इसने, ये देखिए सबसे पहले मलबा डाला, उसके बाद फिर उसने आरसीसी करी, उसके बाद जब ये कलेजी लगाया, पत्थर लगाया, तो उसने 3 इंची मसाला डाल दिया। मतलब कुल मिलाकर 8 से 9 इंची मसाला डाला गया इसके ऊपर। इसीलिए इस पर ज़्यादा वजन आ गया, और वजन आने के कारण ये छत दब गया। अब हम इसको सारे को तोड़ करके इसको निकालेंगे और इसका वजन कम करके हम केवल 2 से 2.5 इंची लेंटर के बाद हम इस पर 2.5 इंची का ऊंचाई बढ़ा रखेंगे, जबकि अभी फ़िलहाल इस पर 9 इंची का मलबा डाला हुआ है। तो हम इस छत को हल्का कर देंगे तो ये फिर दोबारा क्या है, ये नहीं झुकेगा। तो दोस्तों, जब भी आप मकान बनाएं तो ये सब खास करके ध्यान दें कि अगर आपका मंजिल चाहे जितनी भी हो, 1, 2, 3, लेकिन ये हमेशा आप याद रखना कि वो दीवार से दीवार पे दीवार जानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि ग्राउंड फ्लोर में जहाँ पे दीवार है तो उसके ऊपर भी दीवार उसी के सामने होना चाहिए, जब ही आपका मकान में झुकाव कभी नहीं आएगा, दीवार पे दीवार जाएगा। तो अगर 1-1.5 इंची का इधर उधर हो गया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम बिल्कुल ऐसा हो कि जहाँ पे दीवार नहीं है और आप दीवार डाल देते हैं तो 100% है कि वो झुकेगा। क्योंकि जब दीवार नहीं है और आपने उसके ऊपर दीवार लगा दी, तो आप सोच सकते हैं कि एक ईंट का वजन 5 किलो होता है। अब सोचिए कि अगर आपने एक दीवार लगा दी तो उसमें कितने ईंटें होंगी, कितने मसाले होंगे, कितने प्लास्टर होंगे, मिला जुलाकर कई टन का वजन उस पर लोड पड़ जाता है, और कई टन का लोड वो झेल नहीं पाता है। और इसका कारण यही है कि जब नया नया मकान बनता है उस टाइम तो झेल लेता है, जैसे ही पुराना होता है उसकी आयु ख़त्म होने लगती है तो वो झुकने लगता है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।